फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिना गैस जलाए केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे मैं बिना अंडा, बिना बटर पेपर और बिना केक मोल्ड के बनाऊंगी। केक जितना देखने में आकर्षित है उतना खाने में टेस्टी भी है। इसे हम काफी कम मेहनत, काफी जल्दी और काफी कम सामान से बनाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पहले 3 मिनट वॉच करें, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक करें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो केक बनाने के लिए हम ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ 15 ब्रेड ली हूँ। ये वाइट ब्रेड हैं और काफ़ी सॉफ्ट हैं। आप चाहें तो थोड़ा हार्ड ब्रेड भी ले सकते हैं। अब हम ब्रेड के ब्राउन वाले पार्ट को अलग करेंगे। इसी तरह से हमें सभी ब्रेड के ब्राउन वाले पार्ट को अलग कर लेना है। तो मैं यहाँ सभी ब्रेड के ब्राउन पार्ट को अलग कर ली हूँ। अब मैं यहाँ 2 ब्रेड ली हूँ। इसके ऊपर हम एक कटोरी रखकर आगे कट करेंगे, जिससे इसका शेप गोलाई में हो जाए। देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम 5 ब्रेड को छोड़कर 10 ब्रेड को गोलाई का शेप दे देंगे। अब हम आपको ब्रेड का हर शेप देना बताएंगे। तो हम एक स्क्वायर ब्रेड बीच में रखेंगे और सेमी सर्कल वाले ब्रेड को दोनों साइड में रखेंगे। तो देखिए ये ब्रेड का हर शेप बनकर तैयार हो गया है। तो मैं इसे 5 लेयर में बना रही हूँ। आप केक की ऊंचाई देख सकते हैं। आप चाहें तो इसे 3 या 4 लेयर में भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको 9 या 12 ब्रेड ही लगेंगे। अब मैं यहाँ बड़े वाले ओरियो का 2 पैकेट ली हूँ। इसके अंदर के बिस्किट को हम निकाल लिए हैं। अब हम बिस्किट से क्रीम को अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हमें सारे बिस्किट के क्रीम को अलग कर लेना है। तो मैं यहाँ सभी बिस्किट से क्रीम को अलग कर ली हूँ। क्रीम का यूज हम बाद में करेंगे। अब हम एक मिक्सर जार में ब्रेड को तोड़कर डालेंगे। अभी हम आधा ही डाल रहे हैं, आधा को हम दूसरी बार में ग्राइंड करेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप दूध ऐड करेंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मैं इसे ग्राइंड कर ली हूँ। मुझे थोड़ा सा दूध और लगा था, तो मैं बाकी बचे बिस्कुट को भी दूध के साथ ग्राइंड करके बाउल में निकाल ली हूँ। अब हम 2 चम्मच पानी में 1 चम्मच चीनी मिलाकर इसका शुगर सिरप बना लेंगे। अब हम सबसे पहले प्लेट में ओरियो का पेस्ट लगाएंगे, ताकि हम जब इसमें ब्रेड रखें तो वो चिपक जाए, हिले नहीं। अब हम सबसे पहले स्क्वायर शेप रखेंगे, उसके बाद सेमी सर्कल शेप रखेंगे। देखिए परफेक्ट हमारा दिल शेप। अब हम इसमें शुगर वाला वाटर डालेंगे। ध्यान रखिए ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ब्रेड टूटने लगेंगे। अब हम ओरियो का पेस्ट लगाएंगे। आप चाहें तो पेस्ट से पूरा ब्रेड को कवर कर सकते हैं। अब हम इसमें दूसरा लेयर रखेंगे। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से हम शुगर सिरप डालेंगे, उसी तरह से हम इसमें ओरियो का पेस्ट डालकर फैलाएंगे। तो ये हमारी 4th लेयर है। 3रा और 4था लेयर में मैं ज़्यादा ओरियो पेस्ट लगाई हूँ। अब हम इसमें 5वां और लास्ट लेयर का ब्रेड लगाते हैं। इसमें भी हम शुगर सिरप डालेंगे। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम सबसे ऊपर वाले सतह पर ज़्यादा पेस्ट लगाएंगे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी मेरे इजी और टेस्टी रेसिपी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जाकर वहां से देख सकते हो। अब हम स्पून के पीछे वाले भाग से नीचे वाले साइड में लगा लेंगे। इसी तरह से हमें पूरे ब्रेड को पेस्ट से ढक देना है, और जो पेस्ट बच जाए उसे ऊपर की सतह पर और लगा देंगे। अब जो प्लेट में एक्स्ट्रा लग गया है उसे हम टिशू की मदद से पोंछ लेंगे। मैं चम्मच के पीछे वाले भाग में टिशू पेपर लपेटकर इसे अच्छे से पोंछ रही हूँ। तो मैं इसे पोंछ ली हूँ। अब हम लोग इसे फ्रिज में रखेंगे 10-15 मिनट के लिए। जब तक ये फ्रिज में सेट हो रहे हैं, हम लोग आगे की तैयारी करते हैं। जो बिस्किट की क्रीम थी उससे हम फ्लावर शेप बनाएंगे। देखिए इसी तरह से हम बाकी बचे सारे क्रीम के भी फ्लावर शेप बना लेंगे, और इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि ये मेल्ट ना हो। बहुत गर्मी है और ये मेल्ट भी हो रहे हैं। अब मैं यहाँ 10 रुपये वाला डेयरी मिल्क का 2 पैकेट ली हूँ। इसे हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ दोनों चॉकलेट को ग्रेट कर ली हूँ। 15 मिनट के बाद हम केक को बाहर निकाल लिए हैं। हम जो चॉकलेट को ग्रेट करके रखे थे वो पूरे हार्ट शेप में अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे। अब हम कोई ख़राब कार्ड लेंगे, उसके ऊपर ग्रेटेड चॉकलेट लेकर साइड में ऐसे लगाएंगे। देखिए
आप चाहें तो सिम कार्ड का भी कार्ड ले सकते हैं। इसी तरह से हम सारे साइड में अच्छे से लगा देंगे। तो मैं यहाँ सभी जगह अच्छे से लगा दी हूँ और जो नीचे प्लेट में गिर गया था उसे उठाकर ऊपर डाल दी हूँ। अब मैं यहाँ चौकोस से डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने मनपसंद के किसी भी तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। वाओ, अब जो मैं क्रीम का फ्लावर बनाई थी वो भी अच्छे से सेट हो गए हैं फ्रिज में, उससे मैं डेकोरेट कर रही हूँ। सारे क्रीम से यहाँ टोटल 3 फ्लावर बने थे। अब मैं यहाँ चेरी से डेकोरेट कर रही हूँ। तो हमारा केक बनकर रेडी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इजी और टेस्टी रेसिपी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।